फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ तेलुगु टाइटल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम तेलुगु टाइटल्स की वीकनेस से। तेलुगु टाइटल्स की वीकनेस उतनी भी बड़ी नहीं है, क्योंकि इनकी टीम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस ईयर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। पिछले साल से कंपेयर करें, कोई भी साल से कंपेयर करें, इस साल की तेलुगु टाइटल्स की टीम बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है जो इनकी वीकनेस है, वह है इनके लेफ्ट कवर डिफेंडर। जो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर राकेश सिंह कुमार ही हो। अगर फ्रेंड्स उनकी बात करें टैकल अटेम्प्ट्स के बारे में, तो वह 195, जिनमें से अनसक्सेसफुल टैकल है 149 और सक्सेसफुल है 46। मतलब बहुत ख़राब परफॉर्मेंस यार, 149 टैकल्स अनसक्सेसफुल है, यह बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत 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 ज़्यादा हो गया। यही इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके अलावा कोई ज़्यादा अच्छा इनसे है नहीं लेफ्ट कवर पे प्लेयर। यही है जो अच्छे हैं, और जो अच्छे हैं उनका आपने परफॉर्मेंस देख लिया, तो इससे जो ख़राब होंगे उसका समझ लीजिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो ये आप समझ लीजिए, यही इनकी एक मुझे प्रॉब्लम लग रही है ना, तो इनके जो राइट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर है, राइट कवर है, ये सब अच्छे हैं, बस इनका जो लेफ्ट कवर है राकेश सिंह कुमार, जो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा चांसेस है यही होने वाले हैं, उनका परफॉर्मेंस पीकेएल में बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। अच्छा नहीं खेलते उतना, ये बहुत ज़्यादा इनके टैकल जो है वो अनसक्सेसफुल होते हैं। अनुभव की कमी नहीं है वैसे उनके भी पास, ज़्यादा चांसेस है कि हमें राकेश सिंह कुमार ही लेफ्ट कवर पे देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो वो है इनके बिग टिकट प्लेयर्स, मतलब बड़े प्लेयर्स जो हैं राहुल चौधरी, जो पीकेएल में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेने वाले रेडर हैं, और इनके पास विशाल भारद्वाज है जो कमाल के लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर हैं, और इनके पास अबुजार मेघानी है जिन्होंने पिछले साल बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, जो लेफ्ट कॉर्नर पे हैं। जो दो कॉर्नर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनके पास फराद रहीमी है जो अच्छा डिफेंस कर लेते हैं, और राकेश कुमार, जैसे मैंने आपको बताया राकेश सिंह कुमार उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, पर चांसेस है वही रहेंगे। तो इनके जो डिफेंडर्स हैं वो भी ठीक ठाक है, और रेडर्स की बात करें तो वहाँ पर राहुल चौधरी है, नीलेश सालुंके जिन्होंने पिछले साल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और इनके पास मोहसिन मकसूदू है यंग टैलेंट में, इनके पास रक्षित है। तो इनके जो मुझे स्ट्रेंथ लगती है वो लगती है बिग टिकट प्लेयर्स, जैसे में अबुजर मेघानी ले लो, विशाल भारद्वाज ले लो, फराद रहीमी ले लो, और राहुल चौधरी, नीलेश सालुंके, ये जो प्लेयर्स हैं इनके कॉम्पैक्ट प्लेयर जो टीम को अच्छी बनाती है, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया कि तेलुगु टाइटल्स की जो वीकनेस है वो उनकी लेफ्ट कवर है, और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है उनके बिग टिकट प्लेयर्स। तो फ्रेंड्स, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है तेलुगु टाइटल्स वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, ताकि हम जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।